अवैध कॉलोनी काटने वालों की चल रही दबंगई, आखिर प्रशासन क्यों कार्रवाई से परहेज कर रहा, क्या प्रशासन की भी है भागीदारी। ताजा मामला देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई पट्टी के पास स्थित महाराजा खेत सिंह नगर का है। यहां 3 साल पहले कॉलोनी काटी गई और लोगों को कई तरह सुख सुविधा बताते हुए लोगों को जमीन बेची गई एवं प्लॉटिंग कर कॉलोनी काटी गई। लोगों ने भी प्लॉट लेकर घर बनवाया और रहने लगे। अब 4 दिन से नगर में बिजली गुल है। हद तो तब हो गई जब बिजली गुल हो जाने का कारण डीपी उठाना सामने आया है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी भीषण गर्मी में लोग अपने घरों में कैसे रहें? कई परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण ऐसी गर्मी में कैसे करें? कैसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होगी या इन भू माफियाओं का सिक्का यूं ही बरकरार रहेगा? एक तरफ प्रशासन भी कॉलोनियों को अवैध बता रहा है, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे कॉलोनी कैसे कट गई? क्या पटवारी केवल तनख्वाह लेने के लिए होते हैं? क्या क्षेत्र के पटवारी की जिम्मेदारी नहीं बनती ऐसी अवैध कॉलोनी की जानकारी वो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए और इन भू माफियाओं पर कार्रवाई कराए? लोगों ने आज सैकड़ों संख्या में पहुंचकर भू माफिया के घर का घेराव कर न्याय की गुहार लगाई। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, क्या समस्या आपको आ रही है? जो हमें लाइट की और पानी की, हाँ, और जो लाइट खम्भे नहीं है तो हम कनेक्शन कहाँ से लेंगे? हम डीपी पे गए, वहाँ पे लाइट बिजली विभाग वाले के पास गए, वो लोग बोल रहे हैं कि आपको कनेक्शन इसलिए नहीं मिला जाएगा क्योंकि 100 मीटर से ज्यादा दूरी है, खम्भे नहीं है तो कनेक्शन हम कहाँ से लेंगे? कल का हम सब कनेक्शन लेने के लिए गए थे रस्ती के लिए और 1 महीने से इनसे बोल रहे हैं और अवैध का रोल ही बता रहे हैं। डीपी में हमने रखवाई 1,000 रुपए सभी ने कलेक्ट किए ऐसे लॉकडाउन में और ये लोग तैयार नहीं है। और 2-3 दादा बुलवाए, ये आंटी जी को मारा, हमारे सामने मारा 2-3 को, इन लोगों ने मारा, बल्लू या बल्लू पर या धर्मेंद्र ने, इन लोगों ने रहते हैं, ये लोग प्लॉट में शामिल है वहाँ पे। कौन है ये बल्लू बरियार और धर्मेंद्र जिन्होंने मारपीट की है? हाँ। ये कौन है? मेरा सुनील अग्रवाल, मोनू के नाम से मुझे जानते हैं। वाक्य ये है, इनने 4-5 साल पहले मुझसे प्लॉट लिए, मैंने बिचवाए हैं, मेरे प्लॉट नहीं है, मैं प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ, ठीक है, मेरे पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया था। वैध सर राष्ट्रीय नामांतरण है क्या सर? नहीं टीएनसी नहीं सर, कच्ची नहीं, कच्ची कॉलोनी है सर, कच्ची कॉलोनी कटी है और 5 साल से जो रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं, इन पे कनेक्शन नहीं है सर, इनसे कई बार बिजली विभाग ने भी कही है अपनी अपनी रसीदें कटवाओ। अब डीपी फूक गई, इनके घर में ट्यूबवेल है, कूलर है, एसी है, बिना उसके जला रहे हैं। 2 लाख पूरी कॉलोनी में 60 मकान बने हैं, 4 कनेक्शन है सर, 2 डीपी हैं, 2 डीपी हैं, 1 65 की 1 25 की, ठीक है ना सर? अब क्या कह रहे हैं, अब आप बिल जमा करो, डीपी फूक गई तो आप बिल जमा करो, आपने प्लॉट काटे हैं। ये हवाई पट्टी के पास से लोग आए हैं, इनका ये कहना है कि हमने 2013 में प्लॉट खरीदे थे, इसमें लाइट नहीं है, तो इनका और कॉलोनी काटने वालों से बातचीत हो रही है, लाइट चालू करवाएंगे, वो मोनू भगवती हैं, चालू करवाएंगे लाइट, उसका जो बकाया है वो भरेंगे, बाद में जो अपने अपने जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है, जिसको जो भरना है वो भरेगा बिल। नहीं, इस समय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। महिलाओं को चोटें आई हैं, उनको दिखाया आया था अभी, जैसे कि कुछ महिलाओं को चोटें आई हैं, उन्होंने ऐसा बताया, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस बारे में तो जब वहाँ पड़ता है देहात में, तो अपन ने की होगी कार्रवाई, तो होती होगी, पर इस संबंध में कॉलोनी में कोतवाली में कोई जानकारी नहीं है, जो भी समझा रहे हैं इनको, जो भी कार्रवाई